नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं असम तक की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने निकाली रिक्तियां। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के कुल मिलाकर 534 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संस्कृत आचार्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और BEd परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रहे कि अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक स्तर में विषय के रूप में हिंदी संस्कृत का होना अनिवार्य है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 3 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मार्च महीने में ली जाएगी कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के 8415 खाली पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा मार्च में होगी। केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 2 दिन तय किए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाली है। दोनों ही दिन परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 से 4 बजे तक परीक्षा होगी। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को सेंटर पर तय समय से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए ई प्रवेश पत्र 25 फरवरी से पर्षद की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना वैध पहचान पत्र भी दिखाना होगा। कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में RJD सांसद को CM नीतीश कुमार ने दिया जवाब। बिहार में कोरोना टेस्ट के डाटा में कथित फर्जीवाड़े पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को निशाने में ले रही है। दरअसल बीते दिन RJD के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार ने टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा होने का मुद्दा उठाया था और केंद्र से इस मामले की जांच की मांग की थी। इस मुद्दे पर घिरने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में किसी ने यह मुद्दा उठाया था, ऐसे में जांच की पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट भेज दी गई है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल विभाग के प्रधान सचिव से जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि पूरी जांच कर ली गई है और 22 जिलों के डाटा को देख लिया गया है। सारी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच सही तरीके से हुई है, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए जमुई के सिविल सर्जन समेत 7 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बिहार पुलिस महकमे में किया गया बड़ा फेरबदल। बिहार पुलिस के 20 इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। ये सभी इंस्पेक्टर रिटायरमेंट के करीब हैं। सभी को उनके गृह जिले में पोस्टिंग दी गई है। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि सेवानिवृत्त की निकटता के आधार पर ट्रांसफर करने के लिए इन पुलिस अधिकारियों ने आवेदन दिया था, जिसे रिक्त स्थान रहने पर समिति की बैठक में निर्णय के अनुसार 20 पुलिस निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया, जबकि इसके अलावा 17 अन्य इंस्पेक्टरों ने भी ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था, जिसे फिलहाल लंबित कर दिया गया है। विभाग ने ट्रांसफर किए गए 20 पुलिस इंस्पेक्टरों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों का होगा तबादला। राज्य के शहरी निकायों में लंबे समय से एक ही कार्यालय में जमे कर्मचारियों का दूसरी जगह ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। सरकार जल्द ही इनके लिए तबादला नीति लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत शहरी निकाय के कर्मचारी तय समय सीमा से अधिक समय तक किसी भी निकाय में जमे नहीं रह पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में शहरी निकाय के कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। ऐसे में ये कर्मचारी ठेकों से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं को प्रभावित करते हैं, तो कई कर्मचारी कार्यपालक पदाधिकारियों तक की नहीं सुनते हैं। मगर अब सरकार सभी शहरी निकायों में तैनात तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि तबादला नीति नहीं होने से निकायों में तमाम कर्मचारी अपने बहाली के समय से ही जमे हैं और स्थानीय होने के साथ ही ट्रांसफर का भय न होने के चलते अक्सर मनमानी करते हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का मूल्यांकन जल्द होगा शुरू। BSAB द्वारा आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा आज समाप्त हो गई है, जिसके बाद रिजल्ट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। परीक्षा के दौरान ही हर दिन उत्तर पुस्तिका के बार कोडिंग का भी काम हो रहा है। बार कोडिंग का काम रविवार से सोमवार तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आंसर शीट की मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा में पूछे गए इस बार 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के OMR शीट की जांच कंप्यूटर के द्वारा होगी, वहीं 50 नंबर के सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच शिक्षकों के द्वारा करवाई जाएगी। बता दें कि आज इंटर परीक्षा के अंतिम दिन दोनों ही पाली में राज्य भर से एक भी छात्र निष्कासित नहीं हुए हैं। केवल 2 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया, जिसमें सारण और नालंदा जिले के 1-1 छात्र शामिल थे।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई। वर्तमान में 9वीं की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 2022 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। अब 16 फरवरी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके तहत आदेश जारी किया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इससे पहले 9वीं के छात्रों को 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया गया था, जिसे अब 16 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए यह अंतिम अवसर है, इसके बाद आगे की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके तहत शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए 9वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर दी गई अवधि में करा दे। शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति और वेतन दिया जाएगा, कहा शिक्षा मंत्री ने। बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। इस बाबत उन्होंने शिक्षा विभाग के कई निदेशालयों में कामकाज की जानकारी ली। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर के शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति और वेतन दोनों दिया जाएगा, लेकिन शिक्षक भी बच्चों को ज्ञान देने में अपनी शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग करे। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। शिक्षक जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, क्योंकि यह मामला कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण अटका हुआ है। हस्तक्षेप खत्म होते ही प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी और बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन पहले की तरह ही होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की निगरानी की जाँच अब सॉफ्टवेयर के जरिए होगी, जिसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए होगी बिजली की खरीदारी। राज्य में लोगों को अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सूबे की बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी। इसको लेकर बिजली कंपनी और छत्तीसगढ़ की कंपनी के बीच हुए करार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनी अगले 3 वर्षों तक बिजली की खरीदारी करेगी। आपको बता दें कि बिजली कंपनी ने छत्तीसगढ़ की कंपनी SKS जनरेशन लिमिटेड से बिजली की खरीदारी का करार बहुत पहले ही किया था, के बाद विनियामक आयोग ने इस शर्त पर अब मंजूरी दी है कि इसका असर बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़े। बता दें कि करार के तहत कंपनी को खुले बाजार की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली खरीद की दर 4.24 रुपये प्रति यूनिट तय किए गए हैं। कार्बन उत्सर्जन को लेकर सूबे बिहार को बनाया जाएगा हरित। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के समर्थन से जलवायु परिवर्तन अनुकूल और निम्न कार्बन उत्सर्जन की रणनीति बनाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के प्रदूषक नियंत्रक परिषद और UNEP के बीच नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार के हरित प्रयासों जैसे कि जल जीवन हरियाली, कृषि रोडमैप, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, स्वच्छ ईंधन नीति आदि को बल मिलेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि UNEP के सहयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में उठाया गया कदम महत्वपूर्ण है। बिहार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और हरित बनने की दिशा में संकल्पबद्ध है। वहीं केंद्रीय जलवायु राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी बिहार के इस निर्णय की सराहना की है। पटना में लगेंगे सैनिटरी नैपकिन की 3 पैकेजिंग यूनिट। पटना नगर निगम ने UNFPA के साथ एक करार किया है। इसके तहत पटना में सैनिटरी नैपकिन के 3 पैकेजिंग यूनिट लगाए जाएंगे। इन सभी यूनिट का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही करार के तहत अगले 2 वर्षों तक ट्रेनिंग एवं कोर्स के माध्यम से सफाई कर्मियों को जॉब रेडी किया जाएगा। नगर निगम के 110 मलिन बस्तियों के विकास, सफाई कर्मियों को स्किल्ड बनाने और उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर काम होगा। इस काम को 2 चरणों में 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही राजधानी पटना के निगम क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों की रूपरेखा बदल जाएगी और उनका विकास देखने को मिलेगा। पप्पू यादव ने किया रेल चक्का जाम करने का ऐलान। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने खगड़िया जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग को लेकर और उनके समर्थन में 14 तारीख को उनकी पार्टी द्वारा देश भर में रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से इस चक्का जाम को सफल बनाने और बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई। जाप प्रमुख ने कहा कि जब तक कृषि कानून को पूरी तौर पर वापस लेकर किसानों के हित में फैसले नहीं लिए जाएंगे, तब तक किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी रहेगी। वहीं कोरोना जांच फर्जीवाड़े में नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में कोरोना काल के समय में सिर्फ घोटाला हुआ है, इसकी जांच उच्च स्तर पर कराई जाए और इस घोटाले में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके लिए पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। किशोर के पुस्तैनी घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जनता दल यूनाइटेड के कभी खास रहे और चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ख्याति पाने वाले प्रशांत किशोर को झटका लगा है। प्रशासन ने उनके बक्सर स्थित पुस्तैनी मकान की 4 दीवार
दीवारी को तोड़ दिया है। बुलडोजर चलाए जाने के बाद उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि बक्सर में NH-84 फोर लेन बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण प्रशांत किशोर की जमीन भी अधिग्रहित की गई है, जिसके तहत सड़क निर्माण के कारण घर की चार दीवारी और ब्रह्म स्थान को ध्वस्त किया गया है। फिलहाल प्रशांत किशोर की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी करेंगे स्टुअर्ट ब्रॉड। पिछले दिनों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद कप्तान जो रूट ने काफी उत्साहित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी टीम की जीत का क्रम जारी रहेगा। दूसरे टेस्ट मैच में भी उनकी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड वापसी कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि हमने अपने देश के बाहर लगातार 6 मैच जीते हैं, इन स्थितियों में अपने खेल में सुधार कर रहे हैं और यहां से जीत की उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड भारत के खिलाफ पहला टेस्ट 227 रनों से जीतने के बाद 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड की दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन की स्थिति को देखते हुए कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।